अब मचेगा घमासान क्योंकि रियान पराग बनेंगे कप्तान। जी हां, बहुत बड़ी खबर है भाई साहब। रियान पराग की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रियान पराग की खबरें देखी जा रही हैं, सबसे ज्यादा लोग फैंस रियान पराग को पसंद कर रहे हैं। रियान पराग की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी चर्चा है क्योंकि जिस तरीके से रियान पराग ने टीम इंडिया में एंट्री करी है भाई साहब, ड्रीम एंट्री है रियान पराग की, कमाल की परफॉर्मेंस रियान पराग की है। और ऐसी परफॉर्मेंस के लिए भाई साहब खिलाड़ी जो है वो इंतजार करते हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी की बात कर लीजिए आप, बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, जिस तरीके से कप्तान का दिल जीता है रियान पराग ने, वो कमाल की है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस रियान पराग की अभी तक रही है। जहां जहां रियान पराग को आजमाया गया है वहां वहां रियान पराग ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। अभी तक रियान पराग ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन अब खबर है कि रियान पराग जो है ना वो भाई साहब कप्तान बनने वाले हैं और रियान पराग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट है रियान पराग को लेकर। और अपडेट क्या है? अपडेट आई है बीसीसीआई की मीटिंग से। दरअसल बीसीसीआई की हाल ही में मीटिंग हुई थी आईपीएल की टीमों के साथ। वहां पर खबर है कि जो राजस्थान रॉयल के मालिक हैं उन्होंने जयशाह के सामने संजू सैमसन को लेकर बात रखी थी। संजू सैमसन की जैसे ही चर्चा हुई जयशाह जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन को मौके कम दिए जाते हैं, इस बात को लेकर जयशाह नाराज हो गए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि संजू सैमसन को मौके तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन संजू सैमसन उन मौकों को अब भुना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में संजू सैमसन की जगह रियान पराग को टीम इंडिया में मौका दिया जा रहा है। ऐसी खबरें भी हैं कि गौतम गंभीर भी रियान पराग से खुश हैं और रियान पराग को आने वाले वक्त में T20 में परमानेंट कर दिया जाएगा। T20 में रियान पराग को लगातार मौके दिए जाएंगे, जबकि संजू सैमसन का अब ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद संजू सैमसन को अब मौके कम दिए जाएंगे। ऐसे में संजू सैमसन का जो ब्रांड वैल्यू है उस पर असर पड़ेगा, संजू सैमसन के ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ेगा। और खबर यह है कि संजू सैमसन की जगह अब राजस्थान भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकती है आने वाले सालों में। संजू सैमसन की जगह अब दो खिलाड़ियों पर राजस्थान की नजर है, एक तो यशस्वी जायसवाल जो टीम इंडिया में लगातार अपनी जगह को बनाते जा रहे हैं। जो खिलाड़ी टीम इंडिया तक पहुंच जाता है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ये राजस्थान भी जानती है। यशस्वी जायसवाल लगातार तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के रेगुलर खिलाड़ी हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया से जब राजस्थान में जाते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है। तो यशस्वी जायसवाल को या तो कप्तान अब बनाया जा सकता है आने वाले 2-3 सालों में, या फिर रियान पराग की ब्रांड वैल्यू अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही, इसी तरीके से रियान पराग को आगे मौके मिलते रहे तो रियान पराग को भी कैप्टेंसी के तौर पर या वाइस कैप्टेंसी के तौर पर राजस्थान देख सकती है, जिस तरीके से रियान पराग खेल रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल इस वक्त खबर है कि राजस्थान की नजर में सबसे ऊपर हैं कैप्टेंसी के तौर पर। खबर यह है कि संजू सैमसन को आने वाले 2 या 3 साल बाद कैप्टेंसी से हटाकर राजस्थान बड़ा कदम उठा सकती है। यशस्वी जायसवाल या रियान पराग में से किसी एक को अगर 2-3 सालों में रियान पराग ने और बेहतर परफॉर्मेंस किया और रियान पराग लगातार टीम इंडिया के सदस्य रहे तो रियान पराग या फिर यशस्वी जायसवाल दोनों में से किसी एक यंग स्टार को राजस्थान की टीम अपना कैप्टन बना सकती है। ये अंदर की खबर है सूत्रों के हवाले से। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में यशस्वी और रियान पराग ये दोनों कैप्टनसी के लायक हैं या फिर राजस्थान के कप्तान बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।